नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अयोध्या जीतकर सपा ने फेल किया बीजेपी का राम मंदिर कार्ड, हार से भविष्य के चुनावों पर सीधा असर। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नाक की सीट रही अयोध्या को जीतकर सपा ने भाजपा के राम मंदिर मुद्दे को फेल कर दिया है। साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों की दिशा भी बदलते हुए ये संकेत दिया है कि अब यहाँ राम मंदिर मुद्दा नहीं बचा है। चुनावों में फतेह के लिए अन्य मुद्दों पर बात करने से ही बात बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही 2024 के आम चुनावों की भी भाजपा ने नींव डाल दी थी। बीच बीच में अयोध्या आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को ताज़ा करते रहे। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश के कोने कोने से नेताओं को यह लगातार इस मुद्दे की गर्माहट बरकरार रखने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने भाजपा के इन तमाम प्रयासों को पूरी तरह नकार दिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता ने भाजपा के राम मंदिर कार्ड को मैं 6 माह में ही नकार दिया है। भविष्य में अब यह मुद्दा भाजपा नहीं भुना सकेगी। यदि चुनावों में राम मंदिर का राग अलापा भी जाए तो अयोध्या की जनता का यह जनादेश आईना दिखाने के लिए काफी होगा। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या फतेह के लिए बड़ा प्रयोग किया। फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट सामान्य सीट है। यह आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव में अगले और पिछले के बीच समीकरण साधा जाता रहा है। पिछली बार भाजपा से लल्लू सिंह थे तो सपा ने आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया था। बाजी भाजपा के हाथ लगी थी, इस बार सपा ने रणनीति बदली। हमेशा की तरह पिछड़े और सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारने की बजाय दलित उम्मीदवार उतारा, वह भी पासी बिरादरी का। इस सीट पर पासी बिरादरी का करीब 1.5 लाख वोट बैंक है। इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और निषाद भी भरपूर है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से आने वाले 5 विधानसभाओं में भाजपा का 4 पर कब्जा है। सिर्फ मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे। भाजपा राम मंदिर उद्घाटन और वहां बन रहे कॉरिडोर को लेकर उत्साहित थी। पार्टी कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में रहे। इस संबंध में समाजवादी छात्र के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है और अवधेश प्रसाद के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। अपने भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सहित संचार के माध्यमों में अयोध्या के निवासियों पर असहज करने वाली टिप्पणियां व धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उन पर कभी भी कोई सुनियोजित अनहोनी या असामान्य घटना हो सकती है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। अंततः अवधेश प्रसाद को सुरक्षा की दृष्टि से Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश की 37 और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। इस परिणाम से एक तरफ जहां सपा को संजीवनी मिली है, वहीं भाजपा की सीटें यूपी में 2019 के मुकाबले काफी कम रह गई हैं। बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा नेता यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे थे। फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।